हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट स्टडी टेक्निकल एनालिसिस में। दोस्तों, अगले हफ्ते मार्केट में आने वाले कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे कि मार्केट, मेरी पिछली वीडियो से आपको पता चला रहेगा, मार्केट एक ट्रायंगल में फंसा हुआ है, जिसे कहा जाता है सिमेट्रिक ट्रायंगल, जो हायर हाइज बनाते जा रहा है और हायर लो बनाते जा रहा है। और इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट अगले हफ्ते होने की पूरी पूरी संभावना है। और बैंक निफ्टी, जैसे कि आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो से पता चला होगा, बैंक निफ्टी एक राइजिंग वेजेस चैनल में चल रहा है, जो कि अपने आप में एक बेरिश चैनल होता है। तो दोस्तों, लास्ट वीक शुक्रवार को, फ्राइडे के दिन शाम को इन्फोसिस ने अपने नतीजे पेश किए। तो दोस्तों, देखते आने वाले दिनों में इन्फोसिस किस तरह से ट्रेड कर सकता है और इन्फोसिस में हमें ट्रेड करने के लिए क्या क्या संभावना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी इन्फोसिस हम लोगों को दे रहा है, और हम लोगों इन्फोसिस में किस प्रकार से ट्रेड करके मुनाफा कमाया जा सकता है, ये इन्फोसिस के ऊपर थोड़ी एनालिसिस करते हैं। यह इन्फोसिस का डेली चार्ट है, इन्फोसिस का वीकली चार्ट है। लास्ट वीक TCS के रिजल्ट आए, ये सारे IT कंपनियां, दिग्गज कंपनियां फंडामेंटली तो अच्छा काम कर रही है। TCS ने भी फंडामेंटली अच्छा काम किया है, लेकिन क्या हो रहा है, मार्जिन पर दबाव आ रहा है। ये टेक महिंद्रा का चार्ट है दोस्तों। टेक महिंद्रा क्या कर रहा है, टेक महिंद्रा भी एक ट्रायंगल में फंसा हुआ है। TCS भी ट्रायंगल में फंसा हुआ है। तो दोस्तों, ट्रायंगल का ब्रेकआउट तभी होगा जब इसमें बहुत बड़ी मूव आएगी, जब मार्केट जो है ट्रायंगल से बाहर आएगा। बैंक निफ्टी भी ट्रायंगल से जब बाहर आएगी, तभी मार्केट या इन्फोसिस या मानो TCS, मानो टेक महिंद्रा, मानो ये जो शेयर्स है ना, ये तभी अच्छी परफॉर्म करेंगे जब ये ट्रायंगल से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाएंगे। तो सोमवार को इन्फोसिस किस प्रकार से हमें मुनाफा दे सकता है, इसके ऊपर थोड़ी एनालिसिस करते हैं। इन्फोसिस के नतीजे कैसे आए दोस्तों, मिक्स बैग नतीजे है, ये तो आप सभी को पता है। इन्फोसिस में ना ज़्यादा खराब रिजल्ट पेश किए, ना कभी अच्छे पेश किए। तो इन्फोसिस वैसे भी ट्रेड कर रहा है ट्रायंगल के बीच में फंसा हुआ है, सिमेट्रिक ट्रायंगल के बीच में। तो इन्फोसिस सोमवार को अगर बेस्ट होगा, अगर इन्फोसिस सोमवार को हमको 690 या 695 के आसपास मिल जाए, जो कि ट्रायंगल का अपवर्ड चैनल रेजिस्टेंस उसको फेस करने को मिलेगा इन्फोसिस, और वहाँ हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन्फोसिस में बहुत ज़बरदस्त मिलेगी, जो ज़बरदस्त क्रिएट होगी, और इस अपॉर्चुनिटी को आपको खोना नहीं है दोस्तों। अगर इन्फोसिस आपको 690-695 के आसपास भी मिल जाए, तो वहाँ पर इन्फोसिस में ज़बरदस्त शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज हमको मिल रही है, और हम वहाँ पर शॉर्ट करेंगे इन्फोसिस में को। और जैसे कि लोअर बैंड जो है ट्रायंगल का 660 के आसपास है, तो वहाँ पर पूरी संभावना है इन्फोसिस सोमवार के दिन करीब करीब 30 रुपीज़ की मूवमेंट देगा, और इस 30 रुपीज़ की मूवमेंट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इन्फोसिस मान लीजिए सोमवार को 696, इन्फोसिस क्लोज कहाँ हुआ है, 683 के ऊपर क्लोज हुआ है। हो सकता है सोम मार्केट फ्लैटिश ओपन हो, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी भी कुछ ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर रहा है, डाउ जोन्स भी फ्लैट बंद हुआ है। तो मार्केट भी यहाँ से अगर फ्लैट ही बंद ओपन होता है अपना, और इन्फोसिस के नतीजे ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ज़्यादा उत्साहजनक भी नहीं है, तो इन्फोसिस भी करीब करीब फ्लैट ही ओपन हो जाएगा। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट अगर ये सब मानकर इन्फोसिस अगर ये चैनल के नज़दीक आता है, तो वहाँ पर अपने को शॉर्ट करना है और 660 के टारगेट के लिए उसको होल्ड करना है। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 710 के आसपास, ये स्टॉप लॉस लगा के बिंदास शॉर्ट कीजिए, ज़बरदस्त मुनाफा मिलेगा। इन्फोसिस का फ्यूचर का लॉट साइज है 1200 रुपये का, 1200 क्वान्टिटी का, वो एक अपने आप में एक अच्छी क्वांटिटी है। 1200 क्वांटिटी अगर एक लॉट भी लेते हो आप, तो आप 30 रुपीज़ का मूवमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ी मूवमेंट हो जाएगी, और जो कि गारंटेड है, फिक्स मिलने वाली मूवमेंट है। तो इस प्रकार से इन्फोसिस में डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस होती है, वीकली चार्ट के ऊपर इन्फोसिस क्या कर रहा है, वीकली चार्ट के ऊपर भी इन्फोसिस इतना कुछ खास तो नहीं कर रहा है। देखिए,
ऊपर से इंफोसिस में भी वीकली चार्ट में भी रेजिस्टेंस फेस आएगा, नीचे भी यही हालत है। अगर मान लीजिए ये इसका हाई है, यहाँ पर एक अगर होरिजेंटल लाइन हम लोग क्रिएट करते हैं, परफेक्ट वही दिखा रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज 640, वीकली में भी 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास इंफोसिस आ सकता है, सपोर्ट ले सकता है, जो कि पिछला भी वहाँ उसका सपोर्ट था। तो पूरी संभावना इंफोसिस ऊपर तो नहीं जाएगा, इतना तो कंफर्म है। नीचे कहाँ तक आएगा? 660 वीकली बेसिस पर, 640। तो दोस्तों इंफोसिस में आपको पता चल गया है, पहले तो इंफोसिस को ओपन होने दीजिए, एक दो मिनट ट्रेड करने दीजिए। अगर इंफोसिस इस चैनल के अपवर्ड टेरिटरी में आता है तो इंफोसिस को शॉर्ट कीजिए, 710-715 का स्टॉप लॉस लगाकर और वेट कीजिए 660 के आसपास आने तक। आप इस कॉल को पोजिशनल भी लेके जा सकते हैं, वैसे तो मैं पोजिशनल कॉल पर ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और एक बात, ये जो है मूविंग एवरेज ब्लैक वाली, वो 50 डे मूविंग एवरेज है, ब्लू वाली 100 डेज मूविंग एवरेज है। ये दोनों नज़दीक जब भी आती है ना, तो एक किसी भी स्टॉक प्राइस के नज़दीक या किसी भी स्टॉक में या किस जब भी ऐसा नज़दीक आते हैं तो एक बड़ा उछाल स्टॉक प्राइस में संभव होता है, जो कि देख सकते हैं पिछले टाइम इंफोसिस में यहाँ से एक ब्रेकडाउन मिला। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग इंफोसिस में ट्रेड कर सकते हैं।